नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक पर चला बुलडोजर, AIMIM विधायक फारूक अनवर शाह ने कराया था निर्माण। मुंबई के हाईराइज इमारतों में अब आग लगने पर कोई नहीं फंसेगा, फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट के नियम को कड़ाई से लागू करेगी BMC। हाईराइज इमारत में आग लगने पर रेस्क्यू करने में सक्षम है ये लिफ्ट। मुलुन पश्चिम में महाराणा प्रताप चौक पर BMC बनाएगी स्काई वॉक, नागरिकों को अब रोड क्रॉस करने की नहीं पड़ेगी जरूरत, बस डिपो और प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा ये स्काई वॉक। टेक ऑफ करने के लिए तैयार है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिसंबर 2024 तक शुरू होने की उम्मीद। BMC चुनाव से पहले मुंबई कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड़ को भाई जगताप की जगह नियुक्त किया गया मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष। मुंबई के भांडुप में मानवता हुई शर्मसार, नवजात के रोने से गुस्साई नर्स ने दूध मुहे बच्चे के मुंह पर चिपका दी टेप। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के पाटन और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित, इस दौरान वो नांदेड़ के गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हैरान कर देने वाला मामला, दोस्त के साथ शराब पार्टी कर रही 19 साल की लड़की इमारत की 7वीं मंजिल से गिरी, मौके पर ही हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, अरब सागर में उठा तूफान मचाएगा उथल पुथल, 11 से 24 जून के दौरान दिखाई देगा चक्रवाती तूफान का असर। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए YouTube पर 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।